कितना है प्यारा, कितना है प्यारा। सभी लोग कहेंगे तेरी बना में, कितना है प्यारा, कितना है प्यारा। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बीच में अधूरा हूं। तुझको ही मैं पाऊं, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे संग पूरा हूं, तेरे संग परमेश्वर के भवन में ना कुछ कमी है, ना कुछ कमी है। और तेरी पनाह में हमें शिफा मिलती है, चंगाई मिलती है। परमेश्वर के पनाह में, परमेश्वर के भवन में हमें चंगाई और हमें बरकत मिलती है। इसलिए इस स्थान पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, ये वक्त तूने हमें दिया है ताकि हम तेरी महिमा स्तुति कर तेरी आराधना करें। इस भवन के लिए जो तूने कार्य किया, उस कार्य के लिए हम तुझे धन्यवाद। आगे का समय तेरे हाथ में, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन अर्पण कर। वैसे हम खड़े रहेंगे, उत्तरवादी पाठ के लिए वजन संहिता से एक पाठ करेंगे। वजन संहिता 84 को हम बारी बारी इसे पाठ करेंगे। 84 वजन संहिता, 84 वजन संहिता को हम बारी बारी इसे हम पढ़ेंगे। उसे संगीता सिस्टर सामने आकर पढ़ेंगी वजन संहिता 84 को, पहला वचन को, दूसरे वचन आप इस प्रकार से पढ़ें। Thank you.
आपण स्तोत्र संहिता वाचूया 84 परमेश्वर का भवन की चाह हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास का क्या ही प्रिय है मेरे राजा और मेरे परमेश्वर तेरी बेटियों बेटियों में गोरैया ने अपना बसेरा और सुपा ने भी ने घोंसला बना लिया जिससे वह अपने बच्चे रखे क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और अथाह है यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग करीब चाल चलते हैं उनमें उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न पुनः छोड़ेगा 12 बच्चे समय वक्त है गवाही के लिए। ईश्वर ने आपके जीवन में पिछले दिनों में कोई भी आश्चर्य काम किया है तो प्रभु के महिमा के लिए आप सामने आके गवाही दें और गवाही के बाद बच्चे लोग मेमोरी वर्स के लिए प्रस्तुत करेंगे। आणि माझ्या बहिणीला माझ्या मम्मीला कोणालाच काही कळालं नाही तर पप्पांनी मी अंकोला पलटी होणार होतो पण परमेश्वराने पलटी होऊन दिली नाही व्यवस्थित केलं आणि व्यवस्थित आलो म्हणून परमेश्वराचा आला धन्यवाद। हालेलुया परमेश्वर जनाची खरंच महिमा आणि त्याचा गौरव करते की आज आपल्या चर्चला 3 वर्ष झाले खरंच आपल्या चर्च खूप पाण्यामध्ये वगैरे कशामध्ये पण होतं आणि चर्चचं काम झालं पुण्याच्या पण द्वारे परमेश्वराने कार्य केलं चर्च बांधण्यास साहेब मदत केली थोडा आमच्या इथे चर्च बांधताना माझं म्हणजे बाकीचं पण काम होते तरी आणि त्याच्यामध्ये पाणी वगैरे मारायचं काम मी अभिषेकचे पण माझ्या थोडा लाभ झाला पाण्याचा कधी पण टाइम ते पण राहत नव्हता त्यावेळेस पण तो कधी पण येऊन पाणी वगैरे मारायचा सगळ्यांची साथ आहे आणि हे चर्च म्हणजे ना खरंच इथे ह्या चर्च मध्ये देवाची उपस्थिती त्याची आराधना त्याची भक्ती म्हणतात देवाचं वचन आपण सगळं आयोजक आहेत त्याच आणि खरंच या भवनामध्ये ना मी देवाला खूप अनुभवले हे भवन माझ्यासाठी ना एक सभात्मकचा असं गिफ्ट आहे माझ्यासाठी परमेश्वराच्या नावाने धन्यवाद करते माझ्याशी गवाई माझ्या मुलाचा 40वा झाला आणि दुसरे 2 दिवसांनी माझा कानच बंद पडला मला असं उतरत खाली आरवाने व्हायचं मी म्हणायचे असं काय होतंय माझ्या नाकाला कानाला त्रास व्हायचा मी म्हणायचे असं काय होतंय मग मी मस्त दवाखाने गेले जे हॉस्पिटल पोहोचले मी जे हॉस्पिटल मध्ये एक्सरे पण केले
डॉक्टर बोलतो काय नाही नॉर्मल नॉर्मल आई म्हणतात पण एकत्रिंगची प्रार्थना आहे तिथं तिथं जाऊ लागले मी एक बाई पण इथं 5 हप्ते करावा लागत तर मी 5 हप्ते पण केले तिथं आणि आता थोडं बरं वाटत आहे मला पण येतो कानातून आवाज येतो माझा आवाज आता कानातून झाल्यासारखा वाटतो मला तरी मी आता बरंच आहे पहिल्यापेक्षा पहिले नाही होत आणि असं उतरत उतरत आल्यावाणी व्हायचं विमानाचे काय एखादा पूर्ण घीच नाही उतरत अशी खाली की नाही आवाज बंद पडायचा माझे कान बंद पडून जायचे पण ते कान आता बरे पण देवाने मी धन्यवाद यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है मैं परमेश्वर के नाम को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर उनकी गवाही देने के लिए जो उन्होंने यहाँ पे मुझे खड़ा किया है और सच में परमेश्वर की जो करुणा है वो सदा की है कभी भी उन्होंने उनकी करुणा करना छोड़ा नहीं है हम पर शायद कभी कभी हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं या उनकी स्तुति करने के में हम पीछे हट जाते हैं परंतु अपना परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ आज मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सुंदर से भवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है उनकी स्तुति के लिए उनकी महिमा के लिए क्योंकि इस जो एरिया है ये पूरा इस एरिया में ऐसे सुंदर सा भवन होना ये केवल और केवल परमेश्वर की करुणा से ही हो सकता था और सच में परमेश्वर ने जैसे अभी सिस्टर भी बता रहे थे हमने तो इसका जो पुराना जो रूप था वो हम नहीं देख पाए थे परंतु जैसे कि आप लोग बता रहे हो कि यहाँ पे जो है पानी भरता था और कीड़े वगैरह आते थे जो आप लोग ने बताया है तो उसे हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जिसके पहले जिस कलीसिया पे हम थे उसकी जो हालत थी वो कुछ इसी प्रकार थी जब हम मतलब परमेश्वर की स्तुति के लिए बैठते थे तो कहीं कहीं से कीड़े निकल आते थे मगर परमेश्वर ने वो भी जो जगह है वो भी ऐसी जगह है कि वहाँ पे एक सुंदर सा भवन का निर्माण होना संभव नहीं था परंतु परमेश्वर ने उस असंभव बात को संभव कर दिया और ये भी ऐसी जगह फिर से हमें दी जहाँ पे इस तरह का सुंदर भवन होना संभव नहीं था परंतु परमेश्वर ने ये संभव होने दिया इसके लिए हमारे परमेश्वर की करुणा सदा की ही जो असंभव चीज़ों को भी संभव करते हैं और वैसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी बहुत सी असंभव चीज़ें जो है वो संभव कर दी और कल ही मैं एक नए वर्ष में प्रवेश किया है इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे बचपन से लेके मेरे छोटीपन से लेके अभी तक परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला बहुत सी जो भी कठिनाइयाँ आई मुश्किलें आई परेशानियाँ आई परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उसमें से बाहर खींचा जबकि मैं बहुत बार चाहती कि मैं शायद थोड़ी अभी दूर हो जाऊँ परंतु परमेश्वर ने मुझे दूर नहीं होने दिया उनकी उस अपार प्रीति के लिए प्रेम के लिए मैं परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सही में मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और एक पिता जो कभी भी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता एक माता जो कभी भी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती उनसे भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर जो मेरे माता पिता और मेरे सब कुछ बनकर हमेशा जो उन्होंने मुझे संभाला और अभी तक उन्होंने मुझे अच्छे से रखा है इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ जिन सारे लोग मेरे जीवन में हैं मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ मेरे बहनें जिन्होंने मुझे अच्छे से रखा उनको मैं धन्यवाद करती हूँ मुझमें अच्छी वैल्यूज जो मेरे मम्मी पापा ने डाली उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में बहुत अच्छे पति का जो मुझे साथ दिया एक पासवान के रूप में जो मेरे जीवन में वो आए और मेरी जो आगे की जिंदगी है स्पिरिचुअल लाइफ को जो उन्होंने और आगे बढ़ावा दिया उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ जिस कलीसिया में मैं जाती गई उसके बाद उस कलीसिया के हर एक लोग जो मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे उन हर एक कलीसिया लोगों को आज याद करते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ और इस वक्त विशेष में धन्यवाद करती हूँ आप जो एक सुंदर सी और एक कलीसिया को मेरे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ दिया है इसलिए भी परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनकी हर करुणा के लिए उनकी भलाई के लिए आज सच में मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए यही चाहती हूँ कि जो नए वर्ष में जो मैंने प्रवेश किया है उनकी ऐसी करुणा मुझे हमेशा मिलती रहे इसलिए आप सभी लोग मेरे लिए हमेशा प्रार्थना में रहिए धन्यवाद
आपल्या
जेव्हा पप्पाने त्यांना आईच्या जन्मापासून सांभाळलं त्याच्यासाठी पण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून काय करू
मी त्या टॉयलेटच्या म्हणजे बेसिनवर मी म्हणजे आतमध्ये तिथे बसली आणि जोर देवा येशुबाप्पा तू घर काहीतरी कर. आता मी मिली म्हणजे मला आता इथे काय आता गत्यंतरच नाही, कोण येणार आम्हाला वाचवायला, कोण काय करणार. म्हणजे ते बाहेर मी इकडे आतमध्ये तिथे बाप्पा आता कोण नाही काय करायचं. मी इतकी बघून गेले होते पण देवाबाचे आभार मानते की तत्काळ का होईना माझ्या पतीला अशी त्यांनी काय आणलं केली ते आले आणि असं थोडंसं खट्टं बस मला थोडंसं की थांबा मी इथून थोडं खुश करते. त्यांनी असं केलं आणि ते पडता पडता होते की थोडं लाकडं ठकललं आणि त्यांना असं पत्तर पकडलं आणि काठी बघा काठी बघा आणि थोडं तारालाय गेलं आणि मी माझी सुटका झाली. जे बाबा बरोबर धन्यवाद देते त्याची पार स्थिती पार स्थिती पार जेवढे आम्ही साक्षरूपी हिने म्हणजे असतो ना इतके साक्ष असते आपल्या जीवनामध्ये. पण ह्या दोन साक्षी तर मी मला खरंच ती बघून आभार मानायचे इतके आभार आधी पण मी मानलेले आहेत पण मी आभारच मानते. रात्रंदिवस मला तेच असतं काय मी जाऊ शकते नाही चरण आधी बाबा मला क्षमावं कधी मी आता गेल्याच बघा गेल्या वेळेवरी मायगाव होता मी फटाफट 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 सगळं गेलं आणि माझी पण मला म्हणली की मम्मी मी आज बाहेर आहे मी रवा पण नको का तर रवा काय नको मी जाते पटर येते ब्रेड आणि बटर घेऊन येते बटर होता ग्रीन कलर ब्रेड घेऊन येते काम तयार होतं आणि हे नव्हते हे मला वाटतं अंबरनाथून आले नाही आम्ही दोघीच होतो. मी तिला म्हणलं नको नको आपण दोघी पटकन येऊ जाऊया कारण मिस्टरांचं सगळं करायचं असतं मला त्यांना आवाज लागणं त्यांना वगैरे सगळं म्हणजे आम्ही करत असते आणि मग ते नंतर निघायचं ना काय करणार. पण नंतर मी म्हणाले नाही आणि मी म्हटलं काय विचारा विचारून मी माहिती नाही आणि असे खाली गेले आता लिफ्ट आहे म्हणजे मला काय वाटत नाही लिफ्ट उतरली ती काच काय मला दिसली नाही अशी जीप पडली ना तर खर्च असं मला लागलं नाही तेव्हा म्हणजे गेल्या ड्रायव्हरचीच गोष्ट मायवा आणि मी आधी विचारून बापरी बापरे मी काय झालं बघा म्हणलं काय विचारलं वॉचमॅन पण विचारा घाबरला की अरे तुम्हाला नाही ना म्हणलं कुठे दिसली का कारण काच बंद असते ना तर आपण हे करायला होतो ते पण माझ्या ध्यानात होतं. पण कसं झालं माहिती नाही एकदम मी थाटकन जे अशी आदळली ना इतकं मला लागलं बापरेने खिचल्या तिथंच एकदम आणि असे मस्त बसले त्याने पण मला म्हणजे बसवलं चेअरवर बसा असं बघून घाबरलं वाजवे तुम्ही काय झालं म्हणजे बापरे देवा मला तिकडे लागलं मला सांगितलं की मला रडू यायला लागलं तर बापा बघून माझं पाणी जायला लागलं आणि नंतर परत पण नाही येऊ शकले पण त्याही परिस्थितीमध्ये नंतर ते बापाने सांभाळलं पाशाने म्हणजे माझी मुलगी पण नाही येऊ शकली मी पण आणखी फटाफट फटाफट बर्फ पण नव्हता फटाफट फटाफट बर्फ लावल्या नाही बर्फाने शेक बर्फाने शेक आणि मुका मर्फाला पूर्ण इकून लागलेला होता हे सगळे लाल झाले होते माझे आणि कुठे पण डोक्यावर बर्फ मला जोरात मारला कारण ती काच आहे ना फार हार्ड असते आणि एवढे डोळ्याची काच बसून सुद्धा देव बाप्पाने मला म्हणजे दुपारपर्यंत आले ह्यांना म्हणजे पाच हजार त्यांनी पण बर्फ लावायला मी नाही आहोत सगळ्या मी तयारी केली दोघी आणि म्हणजे मी तुला ब्रेड पुरी भाषेत गेली काय योजना असेल ते बाबाची काय नाही मलाच कळलं नाही असं का ते बाबा मी काय नाही जाऊ शकले आणि नक्की साक्ष सांगण्यासाठी मी येणार होते चल दे बाबा आता नाही सर म्हणजे आभार आभार आणि अगदी आभारच म्हणते ते बाबाची स्तुती असते. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभुची स्तुती असो की मला त्याने हा मोका दिला इकडे येण्यासाठी आणि खरंच परमेश्वर खूप चांगला आहे त्याची दया आपल्यावर खूप आहे आणि म्हणजे मागील दिवसामध्ये भावनाच्या बाबतीत मम्मीच्या बाबतीत माझ्या विश्वांच्या बाबतीत म्हणजे आमच्या सर्वांच्या बाबतीत जे सर्व झालं आहे ना ते स्वतः आम्ही म्हणजे अनुभवलं आहे आणि इथे सुद्धा मी दोन साक्ष सांगण्यासाठी आलेली आहे की माझ्या म्हणजे मागच्या वेळेला जे आम्ही आलो होतो डेट मला आठवत नाही आहे पण 8 एप्रिलला माझ्या मिस्टरांना म्हणजे तिकडे ते जॉबला होते त्यांचा ऑफिस म्हणजे थोडा लॉसमध्ये झालेला तर त्यांना नोटीस दिली होती की म्हणजे तो म्हणजे जस्ट 25th ऑफ मेपर्यंत लास्ट असणार आहे तर खूप मी टेन्शनमध्ये होती काही कारण की आमचं एक लोन पण होतं तर खूप टेन्शन होतं की कसं होणार सर्व काय होणार पण तरी पण म्हणजे मी प्रार्थना पण करत होते आणि असं म्हणजे देवबाबाने असं कार्य केलं की म्हणजे 8 एप्रिलला ती नोटीस मिळाली आणि 8 मेला न्यू जॉबची नोटीस मिळाली म्हणजे हे फक्त केवळ 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 परमेश्वरामुळे झालेलं आहे म्हणजे जे आम्ही एवढे चिंतेमध्ये होतो की बाबा कसं होणार वगैरे पण परमेश्वराने एका महिन्याच्या आतमध्ये जे की आजकालच्या हल्लीच्या सिच्युएशनमध्ये न्यू जॉब मिळणं खूप कठीण आहे पण
ते सुद्धा देवबाबांनीच तो आम्हाला दिलेला आहे. आणि आय थिंक सो इथे पास्टरने सुद्धा प्रेयर रिक्वेस्ट दिली होती असं मम्मीने मला सांगितले होते. तर मी तुम्हा सर्वांचे, माझ्या मम्मी पप्पांचे, बहिणीचे, सगळ्यांचे मी आभार मानते की तुम्ही सर्वांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली आणि प्रभूंनी आमची ती प्रार्थना ऐकली म्हणून त्याच्या नावाने धन्यवाद. तसंच नंतर मग 1 एप्रिलपासून मला खूप जास्त ब्लीडिंग होत होतं, खूप म्हणजे एवढं ब्लीडिंग होत होतं ना की मी पुढील पण म्हणू शकत. खूप टाईप की ब्लीडिंग, उभी राहिली की ब्लीडिंग, खूप क्लॉट्स चालत होते, खूपच एकदम म्हणजे एकदम माझ्या हालत बेकार झाली. आणि लास्ट सॅटरडेला तर अक्षरशः मला चक्करसारखं होत होतं. मी खूप घाबरली की मला काय झालंय, मला का असं होतंय, मला काय झालंय. आणि मग नंतर मग मी प्रार्थना करत करतच मग मी गुगलवरती सर्च केलं मी कुठल्या डॉक्टरकडे जाऊ काय करू. मग मी एका होमिओपॅथीच्या डॉक्टरचं मी फेटआउट केलं त्यांच्याकडे. मग मी गेली, मग त्यांनी सांगितलं की कदाचित गाठ असू शकते युट्रसमध्ये आणि कदाचित फायब्रॉइड असू शकतात. मग तर मी अजून कारण की तिने चेक केलं तर तिला असं पालपीट झाल्यासारखं असं काय वाटलं. तर मग मी खूप घाबरली. मग मी घरी आल्यानंतर मग खूप राहिली की देवा मला ऑपरेशन नाही पाहिजे कारण की मग कोण बघणार, म्हणजे पप्पा मम्मींची अशी कंडिशन, मुलगीचा जॉब कोण नाही आहे, म्हणजे त्याची काळजी आहे का, कोण असतं, मिस्टरांचा नवीन जॉब कोण नाही, पण जेव्हा तू आहेस तू टाकणार नाही. आणि त्याच्यामुळे मग मग माझा ब्लड रिपोर्ट केला तर खूप डाऊन झालं होतं, माझं 9 वरती आलं होतं आणि म्हणजे खूप माझी एकदम बेकार कंडिशन होती. आणि मग त्याच्यानंतर मग त्यांनी मला सोनोग्राफी करायला सांगितली, ती बोलली की कारण की तेव्हा ब्लीडिंग होत होतं म्हणून करू नव्हते शकत. तर मग ती बोलली की आज 3 दिन के बाद म्हणजे पोहोचलो. आणि मग नंतर मग नेक्स्ट दिवशी माझं ब्लीडिंग थोडंसं कंट्रोलमध्ये झालेलं. मी खूप धन्यवाद आभार म्हणजे परमेश्वराला की फक्त देवबाबाच्या प्रार्थनेमुळे झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग तिने मग सोनोग्राफी सांगितली. मग मी थर्सडेला गेली आणि देवबाबाला खूप 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 धन्यवाद की माझी सोनोग्राफी नॉर्मल आलेली आहे, काहीच नाही आहे त्याच्यामध्ये. फक्त त्यांनी सांगितलेलं की तुम्ही किडनीची साईज मॉल आहे, पण ती म्हणते की त्याच्याबद्दल काही असं वरी करण्याचा नाही आहे प्रॉब्लेम, पण बाकी सगळं ठीक आहे. आता माझे मेडिसिन्स चालू आहे, पण मेडिसिन्सपेक्षा परमेश्वराची कृपा त्याच्याहून जास्त आहे. आणि कदाचित कुठेतरी परमेश्वराला आम्हाला त्याच्या जवळ आणायचं होतं अजून, म्हणून हे सर्व झालेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा मी परमेश्वराला धन्यवाद, त्याच्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद. थँक्यू. कुछ काम नहीं था, इस प्रभु ने बोला बच्चों को काम नहीं है,
मैं जब जाके सब छोड़ दिया, मैं सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ दिया, हार गया। तो फिर छोड़ दिया मैं, तो फिर एक साल के अंदर में ऑटो रिक्शा भी हो गया, लड़का काम करने लगा, लड़का भी सब काम सब करने लगे, सब ठीक हो गया। और मेरे पिताजी भी सही रहने लगे, इतना चमत्कार रोज का चमत्कार होने लगा। जैसे कुछ ऐसे मैं पूजा पाठ में हनुमान जी को बहुत पूजा करता था, जो पंडित के उसमें रहता था। तो फिर आया मैं यहाँ, आया दो महीने से, दो तीन महीने से, तो शांति नहीं देता। मेरी प्रॉब्लम ही नहीं आती, अनिता सिंह है उनका नाम, वो मेरे और छोटी है, और उनके से साथ आते थे, क्या नाम है, अर्चना से, वो मेरी प्रॉब्लम परमेश्वर सारे बच्चे लोग को आशीष दे, और जो गवाही बताए सभी भाई बहनों को भी परमेश्वर बताए। आज के मनन के लिए जो लिया गया है, आइए हम पाठ करेंगे दानियल का किताब और उसका 6 अध्याय 10वां वचन। तो दानियल का किताब
छे अध्याय का दसवा वचन कोई भी हमारे मध्य में पाठ करेंगे। दानियल का किताब छे अध्याय दस वचन में विनती करता हूँ मीना सिस्टर सामने आ। दानियल का छह पाठ है चौदस। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पुत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की और खुलती रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। प्रभु इस पढ़े और सुने जाने वचन के माध्यम से हम सभी को बहुत आय से हालेलुया। कई सारे गवाही आज हमने सुने कि परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में बहुत ही आश्चर्य काम करते हैं, है क्या नहीं? यस, परमेश्वर हम सभी के जीवन में आश्चर्य काम करते हैं जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं या अच्छे मन से हम परमेश्वर के लिए कुछ कार्य को करते हैं। सो हमारे गांधी जी भी तीन जन गवाही दिए हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पास्तमा को और एक वर्ष प्रभु ने उनके जीवन में उन्होंने जोड़ दिया है और उनका बहुत सारे ख्वाहिश था और क्योंकि वो हमेशा उसे बोलती थी कि पिछले कई साल पहले जब वे लोग छोटे थे तो उस समय उनको सो के पापा ने एक बदलापुर में चले घर बुकिंग किए थे बदलापुर में घर बुकिंग किए थे पर उतना नौबत नहीं था उस समय उतना फंड ना होने के कारण वो घर बुकिंग किए थे और उसे कैंसिल कर दिया गया और उसका जो पैसा वापस उसे नहीं मिल रहा था और उसके बदले उस जो बिल्डर था उन्हें एक घर में बंद करके वो चला गया था। तो उनका पापा ने आत्मा का पापा ने एक सुसाइड नोट भी उन्होंने वहाँ पर छोड़ा था कि मैं अगर मैं आत्महत्या कर लिया तो उसके जिम्मेदार ये फलाना बिल्डर है कर लेकिन पूरा डिप्रेशन में वो आ चुका था इस प्रकार हालत था। और बाद में चल के ऐसा हो गया कि पापा का पैरालाइज हो गया। सबसे पास्ट्रामा का इच्छा था कि मैं मेरे मम्मी पापा के लिए जो उनका सपना था उसे मैं पूरा करना चाहिए उनके लिए घर को खरीदना चाहिए कर जो उनका एक सपना था और इस समय परमेश्वर ने उनका सपना को पूरा किया। हालेलुया। उनका इच्छा हमेशा था कि पेरेंट्स मम्मी पापा को कुछ होने से पहले हम उनका सपना पूरा करना चाहिए। पिछले मदर्स डे में क्या प्रचार किया था क्या हमने बात किए थे ना हम मम्मी का जब जिंदा है तो ध्यान नहीं रखते मरने के बाद उनका फोटो को हम सजाते हैं है ना फोन लगाते हैं ना उनका स्टेटस रखते हैं मोबाइल में हम वॉल पेपर रखते हैं मम्मी का ना उसमें क्या फायदा जब तक वे जीवित है उनके लिए हमें कुछ ना कुछ उनके लिए करना। हालेलुया। प्रभु ने सहायता किया पास्टर अम्मा को सपना को पूरा करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के मनन के लिए जो दिया गया है दानियल का किताब और उसका छह अध्याय का दसवां वचन। दानियल का किताब छह अध्याय का दसवां वचन में क्या लिखा गया कोई पहले हमने पाठ किया ऑलरेडी उस दानियल को जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया कौन सा पत्र था कि एक पत्र लिखा गया है कि यहूदियों के खिलाफ या दानियल का खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया कि राजा को छोड़ किसी और को वो लोग क्या नहीं कर सकते प्रणाम नहीं कर सकते। कई दिनों तक उनको एक आज्ञा था कि तुम्हें क्या नहीं करना है कि किसी भी भगवान किसी भी परमेश्वर किसी भी प्रभु को आप प्रणाम नहीं कर सकते हैं और वे सील गवर्नमेंट का एक सील लगाया सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अगर कोई ऐसा हरकत करेगा परमेश्वर से प्रार्थना करेगा इस दौरान तो उसे क्या किया जाएगा शेरों के बीच में
उनको डाल दिया जाएगा और उससे वो पार खाएंगे। नियम बनाया गया। अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ आता है, ऐसा नियम हमें पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना है, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है। जब ऐसा नियम हमें पता चलता है, प्रार्थना करने का पनिशमेंट ये है, तो हम उतना डर कर पाएंगे क्या, उतना हिम्मत बांध पाएंगे क्या? यहाँ पर दानियल ने क्या करता है, जब ये बात मालूम पड़ता है तो वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। जब प्रार्थना करने के लिए मना किया गया, ये बात जब दानियल को मालूम पड़ता है तो दानियल क्या करता है, प्रार्थना करता है। क्योंकि हमारा शक्ति, हमारा सामर्थ और हमारा बल वही है, क्या है, प्रार्थना। किसी ने कहा कि क्रिश्चियन पास्टर को पूछा कि क्रिश्चियंस लोगों का सबसे महान ताकत क्या है, तो एक पास्टर ने उनको जवाब दिया है, क्रिश्चियंस लोगों का तीन बड़े ताकत है। तो पूछा कि क्या है, तो पहला ताकत है वो है प्रार्थना। तो दूसरा ताकत क्या, उनका दूसरा जो ताकत है वो है प्रार्थना। तीसरा ताकत क्या, उनका तीसरा भी ताकत क्या है, क्रिश्चियंस लोगों का सबसे महान ताकत जो है वो प्रार्थना। आज हमने गवाही सुने, कई सारे लोगों का वही गवाही था कि प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य है वो जब प्रार्थना करने के लिए मना किया गया है, दानियल को जब मालूम पड़ा तो दानियल ने क्या किया, प्रार्थना किया उसने। और वो कहां पर आके प्रार्थना करता है, हम ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आइए पाठ करेंगे आगे। तब वह अपने घर में गया, उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वो दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहाँ पर हमसे देखते हैं कि यरूशलेम के और खिड़की जो खुली हुई थी, यहूदियों को एक नियम था कि तुम्हें क्या करना है, यरूशलेम में जाके परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना करना है, उनका एक आज्ञा था। और जब चर्च का, यरूशलेम का मंदिर का डेडिकेशन किया गया था, राजाओं का किताब है, पहला राजाओं का किताब और उसका आठवां अध्याय में हम देखते हैं कि सुलेमान राजा, सुलेमान ने क्या करता है, एक प्रार्थना करता है, लंबा बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना करके उसने कहता कि हे प्रभु, कोई भी इस मंदिर के और देखकर प्रार्थना करेगा तो उसका प्रार्थना सुन। हालेलुया। जब यरूशलेम मंदिर को डेडिकेशन किया जा रहा था तो सुलेमान ने यह प्रार्थना किया कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में आके प्रार्थना करेगा या कोई भी व्यक्ति इस मंदिर के और देखकर प्रार्थना करेगा तो उनका प्रार्थना तो तू सुन लेना। तब से लेकर यहूदियों लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो लोग यरूशलेम की ओर मुख करके वो लोग प्रार्थना। हालेलुया। यहूदी लोग उसमें से मुस्लिम लोग भी उस बातों को, उस वचन को कॉपी करके, वे लोग दुनिया के किसी भी जगह पे हो, वे लोग यहाँ संदीप में पांच बार क्योंकि यरूशलेम में क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में है, इसलिए वो यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना। यरूशलेम का मंदिर इतना महत्व क्यों है, भाई हम जो भजन संहिता हमने पाठ किया था 84 भजन संहिता को, हम उनमें से तीन विषय को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता, चौथा वचन कोई भी पाठ करके 84 भजन संहिता का वचन चार, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरे स्तुति निरंतर। कौन परमेश्वर का स्तुति निरंतर करते रहेंगे,
आप लोग को हिंदी समझ में आ रहा है ना? यस, कौन प्रभु का स्तुति निरंतर करेंगे? जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं वे निरंतर परमेश्वर का स्तुति करते रहेंगे। और कौन प्रभु का भवन में रहता है? इस अध्याय में कौन प्रभु का भवन में रहता है? पहला वचन जहां हम पाठ करें उससे पहले दो वचन, तीसरा वचन में लिखा गया है, हे सेनाओं का यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों ने अपना बसेरा और सुखा वेदी में घोषणा बना दिया है जिसमें अपने बच्चे को वो रखे। हालेलुया, ग्लोरिया। और सुखा वेदी जो चिड़िया है, हम क्या कहते हैं उसको, छोटे बच्चे को चिमनी बोलते हैं ना, चिमनी हम कहते हैं। चिमनी में क्या किया है? परमेश्वर के मंदिर में घोसला बनाया है और वहां पर वो अपने बच्चे को उसने कहता कि कितना धन्य है वो चिड़िया, उसको मौका मिला कि 24 घंटा वो परमेश्वर के मंदिर में है। हम तो ऐसे बहुत बार आप धन्य कहते हैं, किसको धन्य कहते हैं? अरे तो जो दूर से आते हैं सभ्यता सिस्टम हो जो दूर दूर से आते हैं वो लोग सोचते हैं क्या धन्य लोग है, कितना धन्य लोग है जो आंगनबाड़ी में रहते हैं, क्योंकि क्योंकि चर्च के नजदीक है वो लोग, वो लोग चर्च के बाजू में रहते हैं, हम दूर में। मैं भी यहाँ सो अमरनाथ में रहता सोचता हूँ, कितना ब्लेसड लोग है जो चर्च के आस पास में रहते हैं, कभी भी वो लोग चर्च में जा सकते हैं, लोगों की आराधना कर सकते हैं। सो क्या ही धन्य हम जो दूर में रहते हैं, वो हम सोचते हैं। और इस व्यक्ति ने सोच रहा है क्या ही धन्य है वो पंछी, उसने क्या कहा है, मंदिर में आपने घोसला बनाया है और वहां पर अपने बच्चे भी रखे, वे लोग निरंतर प्रभु का स्तुति करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। मन में प्रभु ने हमें दिया, जिनके पास चर्च नहीं है, हम यात्रा करते थे और जब तोड़ दिया गया है तो समय हम जिधर भी जाते थे, कार्यक्रम करते थे, प्रोग्राम करते थे, तो वहां पर हम ऊपर ही देते थे, तो ऊपर खड़े चर्च कितना अच्छा है, कितना फ्लैग यहाँ लगाया गया, कितना लाइट्स है, कितना अच्छा सीलिंग बनाया गया है, क्योंकि वहां पर सीलिंग नहीं है, लाइट नहीं है, ओपन खुले मैदान में हम चर्च चलाते थे। तो हर स्थान पे हम भाडुक में गए थे तो हमारे बच्चे लोग ना सो प्रोग्राम किया और उसके बाद फूट फूट के रोने लगे कि ये इतना बड़ा चर्च में हम कार्यक्रम कर रहे हैं पर हमारे पास चर्च नहीं थी, हमारे पास चर्च नहीं थी करके फिर बच्चे लोग रोने पड़े रोने लगे। प्रभु ने अभी वहाँ पर एक अच्छा चर्च प्रभु ने दिया, उस कलीसिया को प्रभु को हम धन्यवाद। जब हमारे पास चर्च नहीं है या जो भी हमारे पास नहीं है तब हम उसका वैल्यू हमें समझ में आता है, नहीं तो हम कहते हैं घर का मुर्गी, नहीं तो चर्च है चर्च है कभी भी जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूर का लोग पहले पहुंच जाते हैं और जो बाजू में है वो लोग लेट पहुंचते हैं, क्यों ऐसा होता है? घर का मुर्गी चर्च है ना, हमको वैल्यू पता नहीं चलता है। जब हम है ना ऑटो कच्चा करके या टैक्सी करके या ओला करके दूर से आए कि सोचा हमें काश चर्च हमारे नजदीक होता तो हम रोज वहां पर जाते और परमेश्वर की आराधना करते। सब ऑफकोर्स नया नया मेरे चर्च का जो बिल्डिंग है इम्पोर्टेंट है ही नहीं, स्त्री ने प्रभु यीशु से पूछा कि हम तो इस पहाड़ पे आराधना करते परंतु तुम्हारे बाप दादा तो कहते हैं, हमारे बाप दादा कहते हैं कि इस पहाड़ पे आराधना करना चाहिए परंतु यहूदी लोग तो कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करना चाहिए। प्रभु यीशु ने उनसे क्या कहता है, ये समय आ चुका है ना कि यरूशलेम में लोग आराधना करेंगे ना कि इस पहाड़ पे, परंतु जहां कहीं भी है जहां कहीं भी वे लोग है वो लोग क्या करेंगे, सच्चाई और आत्मा से आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ढूंढ रहा है कि सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाले को, हालेलुया, कि
जब हम इस भवन में आते हैं तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है, सच्चाई और आत्मा से हम उसकी आराधना करते हैं। स्थान पे प्रभु का वचन कहता है कि क्या ये धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरे स्तुति कैसा कब तक करेंगे? निरंतर करते रहेंगे। वे तेरे स्तुति निरंतर कब तक करेंगे? वेरी गुड। सो जवाब करेंगे और मौत आएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपको ज्यादा गर्मी हो रहा है। अगर आप बना सो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो आपको ऐसा लगता रहेगा गर्मी हो रहा है। वचन के ऊपर ध्यान दो, सब हम भूल जाएंगे। दूसरी बात, किसे धन्य कहा गया यह पाठ करके? पांचवा वचन, धन्य है वो मनुष्य हां जिनको सियोन की सड़क की शुद्धि करती है। दूसरे पहला हमने देखा कि जो परमेश्वर के भवन में रहता है वो धन्य है। कौन धन्य है? जो प्रभु के भवन में निरंतर रहता है, क्योंकि वो निरंतर प्रभु का स्तुति करते रहेंगे, इसलिए वे धन्य है। दूसरी बात, जिसे सियोन की सड़क की शुद्धि रहती है। सियोन की सड़क की मतलब परमेश्वर के जो भवन है उसके जो रास्ते का भी जो शुद्धि रखता है वो धन्य है। जो परमेश्वर के भवन के ऊपर ध्यान देता है, गवाही दे रहा था कि हम दीवार पे पानी मारने की कोशिश करते थे, पानी भी टाइम पे नहीं आता था। बहुत सारे चर्च में काम रहता है, उनमें से कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें परमेश्वर कहता है कि तुम हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है कि हम शनिवार को हम दिन करने वाले थे, वो साफ करेंगे। मैंने उनको बोला बहुत सा नाटक रहता है, इस भरोसे में मत रहो कि इस महीना वो करेगा उस महीना वो करेगा, ये शुरुआती में करेंगे, बाद में वो लोग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसलिए हम चर्च का कमिटी है, हमें ध्यान देना है, हमें क्या करना है, प्रभु के सेवकाय में आगे बढ़ना है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। मैं आप सभी लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ, यहाँ पर से हर जगह पे मिट्टी रस हो गिर रहा, कोई ना कोई आगे प्रभु का सेवा करते हैं, वो लोग इस मिट्टी को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। इस कंस्ट्रक्शन जो है इतना अच्छा नहीं है, हमारे जो प्लास्टर है मेरे ख्याल से सब प्लास्टर हमें निकल देना चाहिए और नए से जिसे हमें क्या करना है प्लास्टर से, परंतु हमारे पास इतना फंड नहीं है। हमारे पास फंड नहीं था तो भी हमने वो ग्रिल्स बनाया, हालेलुया। हमारे पास फंड नहीं था, परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भी ग्रिल दिखा दी है, हालेलुया। हमारे पास अभी भी फंड नहीं है, परमेश्वर हमें सहायता करेंगे दीवार को हालेलुया। साइड होके आप आगे आएंगे, हम कदम आगे रखेंगे, परमेश्वर हमें जरूर सहायता करेंगे और प्रभु को धन्यवाद कि कहीं ना कहीं से प्रभु ने हमें क्या करा है, सहायता करा। पिछले बार भी आते आए थे सुमाली और फैमिली चर्च में ना, सो हमारे पास माइक के लिए स्टैंड नहीं है, सो जब गिटार बजाएंगे तो कोई ना कोई अनुभव या कोई आगे माइक पर करना पड़ता है, इसलिए परिवार ने हमारे लिए माइक स्टैंड के लिए वे लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ चीजें हम परमेश्वर के भवन में देते हैं, या उस दीवार जो गिर रहा है उसमें प्लास्टरिंग के लिए 1 किलो सीमेंट भी आप देंगे, या एक झाड़ू लेकर वॉइस को हमेशा तो झाड़ू लेकर क्या करते हैं वहाँ साफ करते हैं, झाड़ू मारते हैं ना, वो सनी और वो मिट्टी लोग आके वहाँ धोती करते हैं, वो अपना हम धोती पहले क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ पहले झाड़ू मारो उसके बाद धोती करो, यार कुछ ना कुछ काम में देता हूँ ताकि वो चर्च का काम करे और उनको पैसे। हालेलुया। कि धन्य है वो व्यक्ति जिससे सियों की सड़क की शुद्धि रहती है,
यानी कि परमेश्वर के भवन के ऊपर जो ध्यान देता है वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने जो आपको ये भवन देता दिया है, सो इसे घर का मुनीम करके मत समझो। धार के प्रभु ने एक वैल्यूएबल जगह हमें दिया है, प्रभु ने तीसरा साथ हो रहा भवन को बनाया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कुरियन गर्जन का फेलोशिप को जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, हर एक पास्टर ने और विशेष करके मार्कस पास्टर ने बहुत ही वो धन्यवाद करते हैं। पता भी नहीं था परंतु उनसे बहुत मेहनत किया और कलीसिया के एल्डर्स कमिटी ने भी और सभी लोग इस कलीसिया के लिए बनाया। प्रभु का वचन कहता धन्य है वो जो सियों की सड़क की सुधी रहे। भरोसा रखता है वो व्यक्ति धन्य है। हम बहुत बार हम भरोसा रखते हैं मनुष्य के ऊपर, बहुत बार हम भरोसा रखते हैं सो पेरेंट्स से अपने बच्चों के ऊपर भरोसा रखते हैं। बच्चे लोग हम उसे पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में, लड़का है तो इंग्लिश मीडियम में डालेंगे, लड़की है तो मराठी मीडियम में डालेंगे, ये समझ के कि लड़का हमारा ध्यान रखेगा। तो लास्ट में चाहते हैं कि लड़का अपने वाइफ के साथ वो अलग हो जाता है और पेरेंट्स अकेला हो जाता है। बोलने का मतलब है ये हम भरोसा रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर, गलत बात है समय में नहीं मेरा हमें तो कोई तो हमारा बच्चे तो हमारा भरोसा है, भरोसा तो रखना चाहिए परंतु कभी कभी वो धोखे पास। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है क्या ही धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति धन्य है। और आगे बढ़िए सवाल हो तो हमेशा हमें दुर्गनिगंजन दल को फोन नहीं करने का। सो हम उसका मतलब क्या है कि हम उस चर्च के ऊपर भरोसा रखें, जो भी कोई मदद करता है तो हम हमेशा आराम से उनका मदद ले लेंगे। धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य के ऊपर नहीं परंतु यहोवा के ऊपर जो भरोसा रखता है वो है। हम हमेशा हाथ फैलाने के लिए कोशिश करते हैं कि शायद ये फायदेगा वो। आज वो लोग देंगे कल वो लोग सबके सामने सुना भी देंगे, इसलिए हमें क्या करना है यहोवा पर भरोसा रखना है। क्योंकि दानियल जानता है ये लोग मुझे प्रार्थना करने के लिए बंद करने के लिए नियम बनाया तो और जाके उसने क्या किया, प्रार्थना ही किया उसने, क्योंकि उसका भरोसा किस पर है, उनका जो भरोसा है यहोवा पर है। इसलिए जब नियम प्रार्थना करने के लिए बंद करने के लिए कहा गया उसने जाके परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु ने उसे उत्तर दिया और जो महासंकट है शेरों का मुंह को उसने बंद कर दिया और उसने बचा के माध्यम से हम सभी को भरोसा से आशीष। आज लव फेस्ट का दिन है और हर एक परिवार ने कुछ ना कुछ भोजन वस्तु हर परिवार जरूरी है कि शामिल हो और लव फेस्ट में भाग ले। अगर आपने कुछ भोजन वस्तु तैयार करके नहीं भी लाया तो आप लोगों के लिए भी भोजन यहाँ प्रस्तुत किया गया है, बिना खाना खाए कोई भी यहाँ से हर एक चीज हो अगर कुछ ना कुछ टेस्ट करके भी यहाँ से। हालेलुया। इस आराधना के बाद अंत में हम चर्च के लिए कुछ केक्स लेकर आए हैं और उस
का तो आएगा, हम विस्तार में खड़े हो जाएंगे और एक गीत गाएंगे, उस समय में उनके सामने काम जो भी 10 बॉक्स का कवर रहते जरूर आता है काले। और एक अनाउंसमेंट है खास करके यूथ के लिए और सभी लोगों के लिए, आने वाले 22, 23 और 24 तारीख को सो यूथ रिट्रीट है। सिर्फ यूथ रिट्रीट नहीं, फैमिली भी वहां पर जा सकते हैं। एंट्री फी है वहां पर ₹1000 का एंट्री फी है, और परिवार से ज्यादा लोग जा रहे हैं यानी कि 3 जन जा रहा है तो उसमें कम रहेगा, यानी कि 2000 में करने के लिए मैं कहूंगा, एक फैमिली के लिए 2000 करने के लिए मैं कहूंगा। और जो पास्टर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है मेरा पहचान का है, 3 दिन वहां पर खाने पीने का बंदोबस्त और रहने का बंदोबस्त किया जाएगा। परमेश्वर के दास लोग वहां आके प्रभु के संदेश प्रचार करेंगे और वहां पर रहने का सुविधा है और बहुत ही अच्छे आनंद मनाने के लिए कुछ फैसिलिटी भी है, एसी रूम है, आप लोग जाके वहां पर रह सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। 3 दिन तक आप लोग वहां पर जाएं और उस जगह में शामिल हो जाएं। हमारे जॉब्स हैं, लगभग 5 जन वहां पर जाने वाले हैं, और भी कोई जाना चाहते हैं अपने बच्चों को आप भेज सकते हैं, वे लोग सुरक्षित रहेंगे और वहां पर प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि 3 दिन तक उसी जगह पे हम लोग को रहना है और परमेश्वर के वचन को वहां पर सीखना है। ये दिन बहुत ही विशेष है आज का, क्योंकि फिर से इस जो भवन को हमने रीडेडिकेट किया है, इसलिए ये जो गीत है, ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया इसमें आनंदित रहो, ये गीत गाके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो,
परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे। समय में विनती करता हूँ, हमारे मध्य में लता वर्मा सिस्टर है, वो प्रार्थना करेंगे। आपके सेवकाई का बढ़ोतरी में उपयोग होने पाए, जिन परिवारों ने दिए तुम बहुत से आशीष और बताए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना का आइए प्रभु का प्रार्थना एक संग मिलकर कहेंगे। हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का शांति पवित्र आत्मा का संगत हम सभी के साथ सदा सदा बने रहे। आमीन। आमीन।
अपने स्थान पर बैठ जाएंगे थोड़े समय के लिए। पास्टर आप सामने आ जाएंगे क्योंकि उनका बर्थडे भी था, इसलिए जो सुबह चाहते हैं कि उनके लिए विजय करने के लिए।